अस्सलाम वालेकुम। क्लास फोर पेज नंबर 95 में है एक्सरसाइज 5 का कि कौन कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, तो वो आज हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है 2437, तो इसको बगैर डिवाइड किए हुए इसका आसान तरीका क्या है समझने का कि किस तरह से हम समझेंगे बगैर डिवाइड किए हुए कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसके लास्ट में 2437 लास्ट में 7 है, 2 से कोई भी नंबर को डिवाइड करने के लिए लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, इवन नंबर। तो यहाँ पे ना ही 0 है ना ही इवन नंबर है, तो 2437 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लास्ट में ना ही 0 है और ना ही इवन नंबर है। सिंस द लास्ट डिजिट इज़ नीदर 0 नॉर इवन नंबर, ना ही लास्ट में 0 है ना ही इवन नंबर है। इवन नंबर के माने 2 का टेबल में जो जो नंबर आते हैं वो इवन होते हैं, तो 7 तो 2 का टेबल में आते नहीं हैं, इसलिए ये पूरा नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन 4250, लास्ट में 0 है, तो इसे क्या समझ में आ रहा है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 4250 इज़ डिविजिबल बाई 2 सिंस द लास्ट डिजिट इज़ 0, क्योंकि लास्ट में 0 है इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 6878 इज़ डिविजिबल बाई 2 सिंस द लास्ट डिजिट इज़ इवन एंड डिविजिबल बाई 2, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो इवन है और ये 2 से डिविजिबल है। 8 2 का टेबल में आता है तो ये नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 9932 इज़ डिविजिबल बाई 2, ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? सिंस द लास्ट डिजिट इज़ 2, इवन नंबर, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 2 है और ये इवन नंबर है, ठीक है, और ये 2 का टेबल में आता है। तो ये 4 सम्स हो गया, एक और है, 5 सम्स है, एक जो और है, ये चारों आप लोग को पहले बनाना है कॉपी में, और जो लास्ट वाला सम्स है वो खुद से आप लोग को बनाना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।